सर, एक जंगली सुअर और एक मुर्गा, तो जो साथ थे वो वापिस आ गए, तो दिखा रही मैं कहा जब तक तुम्हें दिखा रही है तब तक तुम्हें अच्छा लगा दिखा रही, जल्दी से टाइगर सामने आ जाता तो फिर बंदा घबरा जाता, होपलेस हो जाता कि क्या करे। असल में क्या है मैं आपको बताऊं, हम लोग के यहाँ पे रहते ना, मैं ये समझे कि मेरे टाइगर का आमना सामना ये पेड़ है। हाँ जी हाँ जी, ये आमना सामना हुआ है। तो आपका तो टाइगर के आमना सामना बहुत बार हो चुका होगा। बहुत बार हो चुका, उस समय मैं पैदल था। अच्छा, पैदल चल रहा था और वो रास्ता क्रॉस करता हुआ निकल रहा था। अच्छा, आपके सामने से ही? हाँ, मतलब रास्ता ऐसा क्रॉस करा, बीच रोड पर आकर के उसने मुझे सिर्फ 3 सेकंड यूं करके देखा। अच्छा। 3 सेकंड, ये समझो कि मेरे पूरा पसीने छूट गए एकदम, ये क्या चुका था उन्होंने देखा तो। मगर मैं कहता हूँ कि टाइगर से ज्यादा डरना नहीं चाहिए। अच्छा, एलिफेंट से डरना चाहिए। अच्छा, एलिफेंट ज्यादा खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक। जैसे आप खड़े थे, टाइगर आपके एकदम पास आ गया, तो एक बार तो होगा कि अब मेरा काम हो गया, अपनी बचता। मगर सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, टाइगर अटैक नहीं करेगा, नहीं करेगा। किस पोजीशन पे अटैक करता, किस मोमेंट पे, या अपना कहीं पे हिरन का मतलब शिकार करके बैठा हो, हम लोग अचानक पहुंच चुके तब वो अटैक, उसको लगा कि मेरा खाना छीनने आ रहे हैं, वरना नहीं तो ऐसा ना, हम तो खैर टाइगर से बिल्कुल भी नहीं डरते, हमें टाइगर से अंदर जाते हम डर नहीं, हम बिल्कुल ये समझ लेते। आपको तो आदत पड़ गई ना, आप डेली सवारी लेके जा रहे हो, आपने तो एक तरीके से फैमिली वाला काम होगा, डेली उनको देखना है। नया बंदा तो एकदम सामने जा रहा है, गाड़ी के आगे आ गया, वो तो समझ लो उसके आधा धड़कने रुक गई, उसकी आधी तो वैसे ही देख के टाइगर तो टाइगर ही है। ऐसी थोड़ी ना, हाथी से लोग नहीं डरेंगे, एक बार उससे डर जाएंगे।